हाय एवरीवन, आज हम लोग आकाश गुप्ता की मैं और मुंबई को रिया करने वाले हैं। आकाश गुप्ता इज़ वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट गाय, फनीएस्ट कॉमेडियन ऑफ इंडिया। इससे पहले भी हमने उनकी कोई 3-4 वीडियोस को रिया किया है। आई फाइंड हिम वेरी अम्यूजिंग, वेरी फनी, वेरी, उसका टाइमिंग बहुत अच्छा है जोक्स का, इनक्रेडिबल गाय। Can't wait to dive right into the video. Let's see क्या है jokes इस बार मैं और मुंबई में। हमारे साथ आज my cat मैना will be watching the video, just joined us। ये बहुत ही कोई अच्छी किस्म की बिल्ली है, अगर आपको ये चाहिए तो मुझे let me know in the comments if you are from Islamabad, I'll just give it to you। मैं और मुंबई और मैना, 3, 2, 1 go। सही है, मेरे को अच्छा लगता है मुंबई। पता है लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैं दिल्ली से हूँ, मेरे जोक्स और कंटेंट बहुत दिल्ली ओरिएंटेड होता है, तो मुझे मुंबई पसंद नहीं। ऐसा नहीं, आई लव मुंबई। हाँ, सिर्फ दिसंबर से मार्च तक, जब यहाँ पे वो एकदम प्लेजेंट मौसम नहीं हो जाता है, जिसको बाय द वे आप लोग मुंबई विंटर्स बुलाते हो। हिम्मत है आप लोगों की, मैंने कहा। मैं जनवरी में स्वेटशर्ट पहन के आ गया, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैं क्या कैसे विंटर्स हैं यार, ये विंटर्स हैं तो लोनावला में तो बर्फ गिर रही होगी, और यहाँ पे ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे लोग, सनसेट के बाद ना थोड़ा चिली हो जाए तो हुडीज निकाल लो, हुडीज कि कहीं कान से ठंडी हवा ना चली जाए अंदर। कैसी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हो तुम लोग यहाँ। देखो है ना, आई लव मुंबई। मैं रहा हूँ यहाँ पे 2 साल यार, मतलब मुझे याद है कि जब मैं रहा था तो ये दिसंबर से मार्च मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर वो 2 महीने आते हैं वो गंदी गर्मी के, है ना, एकदम घर से आप बाहर निकले चप सब चिपक जाएगा आपसे, चप 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 लग रही है मुझे, हम ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे है। फिर सब वेट करते थे, हाँ मानसून आ जाए, मानसून आ जाए, फिर वो आते हैं और वो आए हुए हैं और वो आते ही जाते हैं, बेंच अपने साथ सब ले जाते हैं। दीदी क्यों नहीं आई, बह गई। पर कह रही थी परसों तक वापस आ जाएंगी। ये भी तो होता है, काम नहीं छोड़ता मुंबई में कोई, बैब हुआ के वापस आ जाएगी काम करने। मैं जब पहली बार यहाँ रहता था, मुझे याद है जब मॉनसून शुरू है ना, पहले 5-6 दिन तो बड़ा मजा आ रहा है कि वाह यार फ्रेश हवा, ग्रीनरी, पानी। फिर वो ना 2 हफ्ते हो गए यार, और ना धूप निकल रही है, मैं कहा भाई ये कच्चे कहाँ सुखाने हैं यार, तेरे बेडरूम में पंखे के नीचे, तो जिस बेड पे मैं सो रहा हूँ उसी पे कच्चे भी सो रहे हैं, वहीं गीले कच्चे वहीं से पहन लो, वहीं सुखा दो, उसी पंखे में मर जाओ। लव यू मुंबई, ओहू मानसून। 3 महीने गीले कच्चे पहन के घुमाऊ मैं, भाई सुबह रोटी बनाते हैं शाम तक नहीं खाई, उसमें फंगस लग गई है। मैं कहा ये पेस्टो रोटी कौन बना के गया घर में यार, दीदी ने फोकाशिया ब्रेड बनाई है आज। और मुझे लोकल ट्रेन बहुत पसंद थी, क्योंकि दिल्ली में ये नहीं थी, दिल्ली में मेट्रो थी जो यहाँ भी बन रही है, हौसला रखिए बन जाएगी, अभी तो काफी बन चुकी है यार। भाई ये कोलाबा सीप्स बैंड्रा वाली कब से खुदी पड़ी है यार, कई बार तो मेरा मन करता है मैं ही बोल दूं भैया मैं फ्री हूँ हेल्प कराने के लिए आ जाओ, 2 घंटे आ जाऊंगा मैं, चल क्या रहे यहाँ, बताते भी नहीं हो, अंधेरी में वो पिलर वाली मेट्रो बन रही है, वो कुछ अलग ही लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ। वहाँ मैं देखे कुछ पार्ट्स हैं जो पूरे रेडी हैं, पिलर, गर्डर, खंबा, ट्रैक, उसके आगे खुदा भी नहीं है। ये कैसी प्लानिंग है? अगला स्टेशन डीएन नगर। द
दरवाजे आपकी बालकनी में खुलेंगे। ओ सॉरी, वो तो यहाँ होती नहीं। दरवाजे आपके बेडरूम में खुलेंगे, कृपया हट के खड़े हो। ये कैसा ठेका बता, ठेकेदारों में एक बंदा बना के घर चला गया, दूसरा ग्रह छोड़ने अगले महीने देखता है। लोकल ट्रेन बहुत सही लगती थी मतलब, और जब ना ऐसे फिल्मों में इतना देखा होता है ना, मैं तो हम जब दिल्ली से आते हैं ना, लटक के एकदम एकदम मन में गाने गाने शुरू कर देते हैं। सफर का ही था मैं, सफर का रहा। कह रहे बेटे बैठ जाओ, इधर का ही था उधर का मैं, लटकूंगा अंकल आज। एकदम फील आती है, एकदम हवा लगती है ऐसे। मैं बस एक लोकल ट्रेन की स्टोरी है एक सुनाता हूँ। आप लोगों ने कॉमिकस्तान देखा है? तो ना कॉमिकस्तान की शूटिंग मुंबई में हुई थी, तो हम सब कंटेस्टेंट्स को ना अंधेरी में ठहराया हुआ था 2 महीने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि हमें ना एक ओपन माइक करने थाने जाना था। तो हाँ, तो मैं, सुमित सौरभ जो आया था, सुमित सौरभ और जोएल डिसूजा, हम तीनों कंटेस्टेंट्स थे उस शो में। तो हमें थाने जाना था और थाने से वापस बैंड्रा आना था एक और जगह परफॉर्म करने। तो किसी ने बोला यार ये आप कैब वैब में जाओ, बहुत पैसे लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रेन में जाओ। मैं कहा सही है, ट्रेन में चलते हैं। तो ना वो 5 से 7 बजे का टाइम था और हम में से 2 लोग मुंबई के थे भी नहीं, और जो था वो खुद कभी थाने नहीं गया था, जो एल डी सूजा, ठीक है। तो हम अंधेरी में थे, लोगों ने बोला पहले मेट्रो लेके घाट को पर जाओ, वहाँ से लोकल मिलती है। तो वो मेट्रो है ना जो सबसे पुरानी यहाँ चल रही है, कब से वो वर्सोवा घाट को पर, वो मेट्रो नहीं है यार, वो एसी वाली लोकल ट्रेन ही है वो भाई। उसमें इतनी भीड़ होती है यार। अच्छा। मैं देखा लोगों की पिछवाड़े पे आके दरवाजा रुक जाता है, टंग 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 टंग, बंद ही नहीं हो रहा, टंग 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 टंग, भाई साहब आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे, शाबाश शाबाश, चलो आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। तो भाई साहब क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो यार, एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं आप, एक्सक्यूज मी। सुबह सुबह हरासमेंट होता है बॉम्बे में, ये सब सहते हो आप? मैं उसके बाद ऑफिस कैसे चले जाते हो तुम लोग यार? ये सब सहने के बाद कोई पीपीटी कैसे दे सकता है? मैं मान गया आप लोगों को यार, मान गया मैं आपके जज्बे को, मान गया मैं। और ये इसमें अगर आप पलट जाओ तो ये हो रहा है, क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो, हर जगह से ही आप। तो हम चढ़े अंधेरी से, फिर ये हुआ हमारे साथ, फिर हम घाट को पर उतरे। मैं कहा आ, तो किसी ने बोला यहाँ से ना आपको मुलुंड की तरफ जो ट्रेन जाएगी ना वो लेनी है, उसमें थाने। अच्छा, मैं कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा फास्ट में जाना है, स्लो में जाना है? मैं फास्ट में, फास्ट में जाएंगे, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम इमिग्रेंट्स होते हैं ना, जो शहर के नहीं होते हैं, हमारा वाइवा होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर वाइवा होना चाहिए हमारा। फास्ट में जाओगे? यस सर। बताओ कौन कौन स्टेशन आएंगे? अपना दादर, बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव। हट आउट, गोरेगांव आएगा फास्ट में, हट जाओ, स्लो में जाओ। तो हमें कहा हम फास्ट में जाएंगे यार, फास्ट में। तो हम फास्ट के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, तो एक फास्ट आई। अब मुझे नहीं पता था वो रुकती भी फास्ट ही है। वो आई, उसमें से लोग चढ़ गए, उतर गए, हम 2 चढ़ गए, 1 रह गया। फिर जो 2 चढ़े थे वो भी कूद के, नहीं नहीं ग्रुप है, एक साथ जाएंगे, निकल गए। अब हम अगली फास्ट का वेट कर, इतने में 3 स्लो चली गई पीछे से। मैं क्या टाइम वेस्ट हो रहा है यार, स्लो में चलते हैं यार, चलो। जैसे हम चढ़ने लगे फास्ट आ गई। मैं कहा ये ऑपरेटर देख रहा है ना ऊपर से, ये बंदा बैठ के देख रहा है ना कि स्लो पे जा रहे हैं, फास्ट कैसे निकल गई, निकल गई वापस आ रहे, आधा घंटा ब्रिज पे घुमाते रहेंगे। मजे लेता है ये शहर आपसे। तो ना इतने में एक फास्ट आई, अब उसमें ना मुलुंड नहीं लिखा था, उस पर लिखा था आसा गांव। हमें कोई आइडिया नहीं कौन सी जगह है, कहाँ का गांव है। तो कोई प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, कह रहा आपको थाने जाना है, चढ़ जाओ इसमें, ये परफेक्ट ट्रेन है आपके लिए भाई साहब, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेशन ही थाने है। मैं कहा ब्यूटीफुल,
एक ही बार चढ़ेंगे एक ही बार उतरेंगे, बार बार होगा भी नहीं कुछ। और हम तीनों घुस गए किसी तरह अंदर, ठीक है। तो ना अब ट्रेन चल रही है और नेक्स्ट स्टेशन ही थाने था, आई थिंक 10-15 मिनट ऐसा कुछ लगने थे आने में। तो ये सुमित और जोएल, आपने देखा जब लोग कम्यूट कर रहे होते कई लोग ऐसे रैंडम एब्स्ट्रैक्ट बातें करने लग जाते हैं, तो ये दोनों लटके हुए वहां पे। जोएल बोला था सुमित को कि मान ले तू एक आइलैंड पे अकेला फंसा है और तेरे साथ हमारी ग्रुप की कोई लड़की हो सकती है, तो तू किसको चाहेगा? यहां से सुमित, मां आई डोंट नो मैन, बट जोएल आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू एनीवन लाइक दैट। मैं क्या कर रहे हो तुम लोग? थाने आने वाला है यार, आकाश में लड़कियां नहीं चूज कर पा रहा हूं यार, रिलैक्स रिलैक्स आकाश। ओके, इतने में थाने आ गए। तो मुझे तो बस इतना ही याद है कि एक लहर आई और मुझे अपने साथ ले गई। मेरा उस पे कोई कंसेंट था? मेरी टिकट कहां तक की थी? डजंट मैटर। ऐसा उतरा था मैं, मैंने किसी को पकड़ा हुआ था, मेरा दोस्त भी नहीं था। मेरी शर्ट का ऑफ शोल्डर टॉप हो गया पूरे, एकदम एकदम ऐसी हालत हो गई है। यहां मैंने होश संभाला, वहां से जोएल आ रहा है। हम दोनों ने एकदम डोली तार डोल धम धम बाजे, यहां से वहां जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। फिर हमने एक दूसरे को देखा, हाँ हाँ, उनका सुमित कहाँ है? सुमित रह गया अंदर। और करो आइलैंड पे लड़कियों के साथ बातें। तो हम बाहर से ऐसे एकदम वो टेंशन में आ गए। मैं कहा सुमित आना। भाई अंदर से आवाज आई, आना तो चाहता हूं पर ये आना नहीं दे रहे यार। उस दिन जो मैंने देखा ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा। सुमित इनकमिंग भीड़ में उल्टा खड़ा था, इनकमिंग एक जत्था चढ़ा है लोगों का, उसकी छाती पे मुक्के मारते हुए अंदर ले गए भाई उसे। मुझे ये विजुअल याद है कि वो ऐसे खड़ा था ये शहर कई बार आपको कितना बेबस फील कराता है यार, आप अपनी मंजिल के इतना पास होते हो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते यार। मतलब अगर ट्रेन का एज ये था ना, सुमित यहां खड़ा था, वो ये नहीं कर पाया। ये मुंबई, ये एकदम फंसा दिया उसको। अब ये ट्रेन ज्यादा रुकती नहीं है ना, हमें लगा अब गया तो। पर उस दिन कुछ तो बकचोदी हुई, उस ट्रेन को क्लियरेंस नहीं मिला, वो खड़ी हुई है 4-5 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर। तो अब बातचीत हो रही है, सुमित हाँ। मैं कहा भाई आ ना। कैसा आऊं यार, मेरे जीन्स में एक और आदमी है। तो अब जो उसके आसपास लोग लटके हुए थे ना, हम उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, भाई साहब, भैया एक्सक्यूज मी, क्या है? मेरे को सुमित को आने दो। कौन है रे सुमित? सुमित कौन है? अच्छा तू है? प्लीज।
मैं कहा भाई साहब प्लीज उसको आने दो, प्लीज वो मुंबई का नहीं है, भटक जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिक्स हो गए अब हम, चल सुमित भाई ले गए उसको अपने साथ। और वो इतनी फास्ट लोकल थी कोई, तो वो किसी डीवा नाम की जगह पहुंच गया जो कि बहुत दूर है। उसका फोन आया वहां से, कह रहा भाई दो गुफाएं आई, एक दरिया आया और हरे पहाड़, मुझे लग रहा है मैं गोवा ही पहुंच गया हूं। मैं कहा अच्छा गोवा पहुंच गया तू, अच्छे परसों वापस आ जियो। और सुन उस आइलैंड पे तेरे साथ लड़कियां हैं? मैं जब भी परफॉर्म करता हूँ मैं सुमित से पूछता हूँ कि कैसे लगी मेरी मिमिक्री तुझे, तो वो बिल्कुल मना करता है, बहुत गंदी करी यार तूने, बिल्कुल अच्छी नहीं करता तू मेरी मिमिक्री, फक ऑफ। मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा मैं एंजॉय करती, ज़्यादा मुझे समझ आती अगर मैं मुंबई से होती। मुंबई इज़ हाईली पॉपुलेटेड आई थिंक, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि बैल्कनी नहीं होती या पाँव रखने की जगह नहीं होती, मेट्रो एक फास्ट मेट्रो है एक स्लो मेट्रो है। सो मेनी जोक्स दैट आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट आई डिडंट गेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे अब पता नहीं है मुंबई कैसा है। बट मुझे ना थोड़ा आइडिया है क्योंकि पाकिस्तान की खुद भी पॉपुलेशन माशाल्लाह, तो हमारे रीजन में फैसलाबाद बहुत पॉपुलेटेड है, मैं फैसलाबाद में बहुत टाइम रही हूँ, कराची इज़ वेरी पॉपुलेटेड, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं है। तो बट मुझे थोड़ी सेंस है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, एग्जैजरेटिव कॉमेडी थी, बट इट वॉज फन, इट वॉज फील गुड। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट आकाश गुप्ता के रिएक्शन पे, तब तक के लिए ख्याल रखो मेरा, सब्सक्राइब दिस वन, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, डाइट बाई, लव यू, गुड नाइट।